वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायगढ़ से। रायगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस नेता जेठूराम मनहर ने दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा इस्तीफा। रायगढ़ के पहले महापौर रह चुके हैं मनहर। नगर निगम चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मनहर, इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायगढ़ से। और रायगढ़ में यहां पर बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, जेठूराम मनहर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। वो महापौर भी कांग्रेस से रह चुके हैं और इस वक्त बड़ी खबर, बड़ा झटका कांग्रेस को। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मनहर, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। रायगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर, नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मनहर, रायगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता जेठूराम मनहर ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा भेजा है। रायगढ़ के पहले महापौर रह चुके हैं मनहर। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायगढ़ से, नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस मामले पर हमारे साथ संवाददाता अमित गुप्ता जुड़ रहे हैं। अमित, यहां पर रायगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस नेता जेठूराम मनहर ने इस्तीफा दे दिया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कितनी बड़ी क्षति है ये कांग्रेस के लिए, नगरीय निकाय चुनाव सामने है। देखिए, नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। रायगढ़ के पूर्व महापौर और कांग्रेस के कद्दावर नेता जेठूराम मनहर ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को ये लेटर भेजा है और सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट किया। आपको बता दें कि जेठूराम मनहर कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद से शहर में चर्चा है का विषय बन जाएगा जेठूराम मनहर भारतीय जनता पार्टी शामिल होने वाले हैं। लेकिन हालांकि जेठूराम मनहर इस्तीफे व्यक्तिगत कारणों का जिक्र किया है और ये नगर निगम चुनाव से पहले से इस्तीफा बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।